please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार के भागलपुर में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ भी शामिल हुए। लेकिन बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही कांग्रेस के दो गुटों के समर्थक एक दूसरे से मारपीट करने लगे। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने मारपीट कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत होने के बजाय और भड़क गया। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मारपीट कर रहे लोगों को अलग करवाया। इस घटना के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। जो भी हुआ यह बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग भी कर रहे थे वो सब 16 साल से 19 साल के बच्चे 10-15 आए। कांग्रेस के वर्कर बहुत शालीन तरीके से बैठे थे। इससे पहले बैठक में पहुंचे बिहार कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ का वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं ने शॉल पहनाकर स्वागत किया। दावा है कि बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा और कांग्रेस नेता प्रवीण कुमार कुशवाहा में बहस हो गई, जिसके बाद दोनों नेताओं के समर्थक मारपीट करने लगे। मारपीट के बाद सम्मेलन को बंद कर दिया गया, जबकि बिहार कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ सम्मेलन छोड़कर वहां से चले गए। मध्य प्रदेश के सतना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोबाइल फोन के टॉर्च की रोशनी में जन आशीर्वाद यात्रा की एक सभा को संबोधित करने लगे, क्योंकि उस जनसभा में मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान अचानक लाइट चली गई, जिसके बाद सीएम ने वहां मौजूद लोगों से मोबाइल फोन निकालकर उसका टॉर्च ऑन करने की अपील की। सीएम की अपील के बाद वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल फोन टॉर्च से रोशनी की। हालांकि जनता के सामने फजीहत होते देख शिवराज सिंह चौहान ने बिजली गुल होने के पीछे भी साजिश का इशारा किया। कुछ लोगों को तकलीफ थी, इसलिए हो सकता है जानबूझ के ऐसा किया, बाहर तो दिख रही है। जनसभा में बिजली जाने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासन के दौरान बिजली व्यवस्था पर तंज कसा। शिवराज जब तक बोलते रहे तब तक बिजली नहीं आई और उन्होंने मोबाइल की रोशनी में ही अपना भाषण पूरा किया। बांग्लादेश से अहमदाबाद पहुंची एक लड़की मोबाइल फोन में मौजूद अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाने लगी। इस लड़की ने पलक शुक्ला नाम के एक लड़के पर प्यार में धोखा देने और शादी के वादे से मुकरने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से वो अपने प्रेमी को खोजने के लिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका से अहमदाबाद पहुंच गई। लेकिन प्रेमी के घर पर पहुंचने पर लड़की को वहां ताला लटका मिला। अभी तक वो नहीं मिला, मुझे यही मैसेज है उसके लिए कि जहाँ भी हो मेरे साथ कांटेक्ट करो। लड़की ने अपने प्रेमी के साथ चल रहे रिश्ते को 8 साल पुराना बताया। मुझे मेरा 2010 से रिलेशनशिप चल रही है, थोड़ा चढ़ाई उतराई चल रही है। लास्ट वो 10 जुलाई को मुझे कमिटमेंट किया रिलेशनशिप के लिए। प्रेमी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर लड़की ने फेसबुक के जरिए उससे संपर्क में आने का दावा किया। गुजरात के नवसारी में कुछ लोग पानी में डूबी एक कार को रस्सी के सहारे बाहर खींचने लगे। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई, जिसके बाद कार पूरी तरह से पानी में डूब गई। कार डूबने की खबर मिलते ही पुलिस एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य में जुट गई, जबकि तालाब के किनारे लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ देर की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने पानी में डूबी कार को खोज निकाला और रस्सी के सहारे उसे तालाब से बाहर निकाला। दावा है कि पानी के तेज बहाव की वजह से कार का दरवाजा नहीं खुला, जिससे कार चला रहे आदमी की मौत हो गई। ये डूबी हुई कार थी वो निकाली तो इसमें से एक व्यक्ति की लाश मिली है। तालाब से शव निकालने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेज दिया। हरियाणा के फतेहाबाद में एक बाबा के आश्रम में कुछ पुलिस वाले छापा मारकर वहां के सामान की तलाशी लेने लगे। उस आश्रम के महंत पर आरोप लगा कि उसने कई महिलाओं का रेप किया और उनके अश्लील वीडियो बनाए, जिसके बाद अश्लील वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आश्रम में छापा मारा। पुलिस का दावा है कि छापे के दौरान उन्हें कई अश्लील सीडी मिली, साथ ही कुछ संदिग्ध सामान भी मिला जिसे उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद पुलिस ने बाबा बालकनाथ आश्रम के महंत और आरोपी अमरपुरी को हिरासत में ले लिया। इसमें हम लोगों ने मुकदमा दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। दावा किया गया कि शहर में आरोपी महंत के 90 से ज्यादा अश्लील वीडियो वायरल हुए। जानकारी के मुताबिक आरोपी महंत पर रेप के आरोप में पहले भी एक मामला दर्ज किया गया था, जिसकी कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। फिल्म संजू की शानदार कामयाबी के बाद निर्देशक राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई सीरीज अगली फिल्म बनाने की तैयारी में हैं। सूत्रों का कहना है कि मुन्ना भाई सीरीज की अगली फिल्म में सर्किट का रोल अरशद वारसी की जगह रणबीर कपूर कर सकते हैं, क्योंकि संजू के सुपरहिट होने के बाद रणबीर कपूर फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी के बेहद करीब आ गए हैं, जबकि संजय दत्त के साथ भी उनके रिश्ते सुर्खियों में हैं।
कभी रणबीर खुद गाड़ी ड्राइव कर संजय दत्त को उनके घर छोड़ने जाते दिखाई दिए, तो कभी किसी कार्यक्रम में रणबीर और संजय दत्त के साथ राजकुमार हिरानी की मौजूदगी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ये अटकलें तेज हो गई कि राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई सीरीज की अगली फिल्म में सर्किट की भूमिका अरशद वारसी की बजाय रणबीर कपूर को देने की तैयारी में है। संजू फिल्म में रणबीर के साथ काम करने के बाद राजकुमार हिरानी कई बार उनकी एक्टिंग की तारीफ कर चुके हैं। All I can say is I have never seen him being late by a minute. और एवर कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग और सेइंग कि आज मुझे यहाँ जाना है। हालांकि अभी तक मुन्ना भाई के अगले सीक्वल के बारे में किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया। दिल्ली के अति सुरक्षित सेना भवन में आर्मी अफसर के फर्जी पहचान पत्र के जरिए घुसने की कोशिश कर रहे एक नकली लेफ्टिनेंट कर्नल समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना के अफसरों ने इन्हें पुलिस के हवाले से गिरफ्तार किया है। इनसे दिल्ली के साउथ एवेन्यू थाने में पूछताछ चल रही है। आरोपी अमित आर्मी की यूनिफॉर्म में खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल बता रहा था और अपना फर्जी नाम अभिमन्यु शर्मा बताया था। हिरासत में ली गई महिला को इस फर्जी अफसर की पत्नी बताया जा रहा है और पता चला है कि इस आदमी ने दिल्ली के गोपीनाथ मार्केट में लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी खरीदी थी। चंद्रयान 2 मिशन के तहत चंद्रमा से हीलियम धरती पर लाने की कोई योजना नहीं है, ये दावा केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। जबकि इसरो के अधिकारियों के हवाले से कुछ अखबारों में ये खबर छपी गई थी कि चंद्रयान 2 मिशन के तहत चंद्रमा से हीलियम धरती पर लाई जाएगी। ये हीलियम इतनी होगी कि इसके इस्तेमाल से 100 साल तक पूरी धरती के लिए बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसी खबरों को गलत बताते हुए साफ किया कि चंद्रयान 2 के तहत ऐसी कोई योजना नहीं है। चंद्रयान 2 के तहत इसरो अक्टूबर या नवंबर में एक रोवर को चंद्रमा की सतह पर भेजेगा। योजना के मुताबिक अगर सब कुछ चला तो 13 फरवरी 2019 को रोवर चंद्रमा की सतह पर ऊपर जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन पर इसरो करीब 602 करोड़ रुपए खर्च करेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकारी बालिका गृह में हुए यौन शोषण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने जांच कर मेडिकल रिपोर्ट में बालिका गृह की 29 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि की है। मेडिकल रिपोर्ट में 10 साल और 7 साल की लड़कियों से भी गैंग रेप की बात सामने आई है। इस खुलासे से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग शुरू हो गयी है। एक लड़की ऐसा बोली है बयान में कि ऐसे लड़की को मार के दफनाया गया है, जो बयान दिया था लड़की ने। अब उसकी पुलिस जांच कर रही है, जब तक हमको कोई कंक्लूसिव एविडेंस उसके बारे में नहीं मिलता है तो उसके बारे में कुछ भी अभी हम आपको नहीं बता रहे। उसी बयान के आधार पे पुलिस आगे की जांच कर रही है। जिस लड़की लोग को बालिका सुरक्षा गृह के नाम पे सुरक्षा के लिए रखा गया था, उस तरह लड़कियों के साथ जरूर ये कहानी कोई, ये जो काम है वो डरा धमका के ही बच्चियों के साथ कराया गया होगा। तो कहीं ना कहीं जो ये इसके संचालक हैं उनके ऊपर घोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार के तमाम जो ऐसे बालिका सुरक्षा गृह हैं उसकी तत्काल जांच करवाना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए और इस मामले में एकदम देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चियों से जुड़ी हुई सुरक्षा का मामला है। कि निश्चित तौर पर ये एक बदनुमा दाग है, मानवता शमसार हुई है। लेकिन इतनी बात तय है, जो भी इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं, इसमें कई लोगों के खिलाफ उन प्राथमिकी दर्ज किया जा चुका है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जो अन्य लोग भी हैं वो बहुत जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। अनुसंधान से जो जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और इस घटना के लिए तमाम जो जवाबदेह लोग हैं वो लंबी सजा के लिए मानसिक रूप से उन्हें तैयार होना चाहिए। पंचकुला के मोरनी हिल्स इलाके में युवती के गैंगरेप के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। गैंगरेप मामले में वक्त पर मामला दर्ज ना करने के आरोप में मोरनी चौकी इंचार्ज ASI, एक कांस्टेबल और महिला थाना की एक महिला SI समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मामले की जांच SIT को सौंप दी गई है। और ये गैंगरेप का मामला है जहां पर पुलिस की लापरवाही की गाज गिरी है और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वक्त पर मामला दर्ज ना करने के आरोप में मोरनी चौकी इंचार्ज में SI और एक कांस्टेबल के साथ एक महिला SI समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मामले की जांच SIT को सौंप दी गई है।
मोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मोहित, एक तरह से इस तरह की कार्रवाई होती रहनी चाहिए अगर पुलिस कोई लापरवाही करती है तो। जी बिल्कुल, देखिए और हरियाणा में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को लेकर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हरियाणा पुलिस और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही की वजह से काफी ट्रोल किया गया, जिसके बाद कल बीती शाम ये पूरा का पूरा एक्शन लिया गया है। सबसे पहले जो मोरनी जो चौकी है वहां पर उसके इंचार्ज एक ASI को सस्पेंड किया गया, उसके साथ एक और वहां पर पुलिस कांस्टेबल था जिसने पीड़ित लड़की और उसके पति को वहां से भगा दिया और महिला थाना जो पंचकुला का है वहां पर भेज दिया। महिला थाने की जो इंचार्ज थी उसने भी वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की और उनकी कोशिश थी कि पूरा का पूरा मामला उनके इलाके से बाहर जाकर चंडीगढ़ में दर्ज करवाया जाए और पीड़िता और उसके पति के साथ लगातार उन लोगों ने काफी उनको परेशान किया। इसी वजह से जब पूरा मामला सामने आया मीडिया में पीड़िता और उसके पति ने आकर स्टेटमेंट दी तो उसके बाद अब हरियाणा पुलिस ने अपनी सांस बचाने के लिए एक्शन लिया है और कुल मिलाकर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका।